हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके एफकेट 02/2021 के लिए इनवाइट की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 10+2 पास आउट होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है A24 नॉलेज पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। बात करते हैं सीधे फ्रेंड्स इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो आपको अप्लाई का लिंक यहां पर मिल जाएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके सामने आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां पर फ्रेंड्स अगर आप रजिस्टर नहीं है, आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मेल आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डालकर आप चाहें तो लॉग इन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे रजिस्टर हियर पर रजिस्टर करने के लिए। यहां पर देखिए, आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जैसे आपका पूरा नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपकी मेल आईडी कौन सी है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर क्या है। और उसके बाद आप कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो आंसर है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दिए गए इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। और उसके बाद आप यहां से जो साइन अप प्रोसेस है इस पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपकी यहां पर मेल आईडी पर सेंड किया जाएगा, उसके थ्रू आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर देखिए रीसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। और जो ये पासवर्ड है इसमें देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आपको यहां पर दिए गए हैं कैपिटल लेटर्स नंबर्स, आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। मतलब जो पासवर्ड आप बनाएं उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर रखें, नंबर्स रखें, मतलब 0 से लेकर 9 तक, और इसके अलावा कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, @$%#, आप कोई भी यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पासवर्ड आपको यहाँ पर जनरेट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई करना है। यहां पर देखिए आपको एफकेट, एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच या मेट्रोलॉजी ब्रांच के यहां पर फॉर्म मिल जाते हैं। किन किन स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे वो आपको जानकारी दी गई है। एनसीसी या मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, एफकेट के लिए आपको पेमेंट करना होगा। सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, तो आप यहां पर डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद सेवन कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपकी कुछ बेसिक जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपका चेहरे पर, हाथ पैर पर कोई भी यहाँ पर कट का निशान है, मोल है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क यहाँ पर कर देंगे। अगर आप CPSS या PABT स्टेटस आपका क्या है तो आप व्यू इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कंप्राइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, अगर आप इनमें से किसी में भी यहाँ पर एलिजिबल हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास करंट में वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि इशूड हुआ है DGCA द्वारा, आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर आप सर्विंग एयरमैन हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड। इसके बाद आपको यहां पर देनी है आपकी DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस डेट बर्थ को आप यहां पर कंफर्म करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर क्वालिफिकेशन का, तो सबसे पहले एजुकेशन लेवल में देखिए 10+2 पास आउट होना, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो भी ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है लेवल का ऑप्शन, अब यहां पर देखिए लेवल के लिए आपको क्या करना है, यहां पर ग्रेजुएट ऑप्शन ए आपको दिया गया है, इसमें जैसे आपके पास BE BTech है, मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री है, इसके अलावा यहां पर आपको जो आपके डिसिप्लिन है
वो आपको दिए गए हैं। ऐसे ही ग्रेजुएशन ऑप्शन बी में भी आपको यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन दिए गए हैं। अगर आपके पास बीकॉम डिग्री है, बीबीए है, बीसीए है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। अगर बी बीटेक के अलावा अगर आपके पास या जो ऑप्शन ए और बी में आपको दिया गया है इनके अलावा कोई अदर आपके पास डिग्री है तो आप ऑप्शन डी को चूज करेंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इससे फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपसे यहाँ मांगी गई है। अब एनी स्ट्रीम का मतलब है आप किसी भी स्ट्रीम में पास आउट हैं। तो आपके सामने फ्रेंड्स सारे ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं। जैसे मान लीजिए बी बीटेक अगर आपने उस पोस्ट के लिए कर रखा है तो आप इन ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। बीकॉम है, बीबीए है या फिर बीएससी है, इसके अलावा बिजनेस ऑफ बिजनेस स्टडीज है तो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें भी नहीं है तो आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे यहाँ पर आपसे कॉमर्स मांगा है या फिर आपसे यहाँ पर कोई भी डिग्री मांगी है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो ऑप्शन चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रुप वाइज आपको डिटेल्स दी गई हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ग्रुप है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए डी आपने सेलेक्ट किया, आपकी क्वालिफिकेशन जैसे बीए है तो आप बीए लिख सकते हैं। सी में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे बीबीए, आपके बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीएस, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। बी में भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, तो आपकी जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद है कोर्स ड्यूरेशन जो कि आपको ईयर में यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है नेम ऑफ द कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे, अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का, अपने इंस्टीट्यूट का। यहाँ पर है डेट या एक्सपेक्टेड डेट। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप पास आउट हैं तो आप नॉर्मल आपको डेट पता होगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डेट नहीं पता पर आप एक्सपेक्टेड बता सकते हैं तो एक्सपेक्टेड पासिंग डेट आपको 30 मई 2022 दी गई है, आप इसको भी फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कब पास आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इस डेट को, मंथ को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है एंटर एग्रीगेट या ग्रॉस परसेंटेज, तो आपको यहां पर परसेंटेज जो आपकी है वो आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका डू यू हैव करंट बैकलॉग, अगर आपके पास अभी बैकलॉग है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आपके पास क्लियर ये होना चाहिए। इसके बाद है 10+2 या हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल्स, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको देना है हाई स्कूल मार्कशीट की ओवरऑल परसेंटेज, मतलब ओवरऑल कितनी परसेंटेज है। इसके बाद फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की परसेंटेज आपको देनी होगी। अगर मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो की भी एंट्री कर सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेवन कंटिन्यू का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है को आपकी कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट कर लेना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, आप इसमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इनको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्सेज आपको शो करेंगे। अब यहां पर है ईकेटी टाइप, तो एईएल और एईएम ब्रांचेस के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप यहां पर ईकेटी यहां पर आपका आता है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आप एसएसबी में पहले अपेयर हुए हैं तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको यहां पर इस ओपनिंग के बारे में पता कैसे लगा, तो आप यहां पर कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपने गेट एग्जाम आपने अपेयर किया है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे और सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस सेक्शन, तो देखिए यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपको पूरा एड्रेस आपका लिखना होगा। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पिन कोड, इसके बाद नीरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है ये आप यहाँ पर फिल करेंगे, लैंडलाइन नंबर है लैंडलाइन नंबर दीजिए, आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, अगर आपका परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप इसको भी सेवन कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड, तो यहाँ पर देखिए जो मेन कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, वुमेन या फीमेल कैंडिडेट है वो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फोटो अपलोड करने के लिए कि कैसी फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे इसके नोटिफिकेशन में, आप उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, साथ में आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर देंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो सिग्नेचर और आपका जो थंब इम्प्रेशन है ये अपलोड करने के बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे प्लेस में जहाँ पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसकी जानकारी देंगे और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपकी एग्जाम सिटी, तो सबसे पहले आप स्टेट पर जाएंगे, स्टेट को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सेंटर्स मिल जाएंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर सेंटर्स को लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको बस करना क्या है, आपको यहाँ से स्टेट को या NCR को चूज़ करना है और उसके बाद आप यहाँ से अपने सेंटर को चूज कर पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से जो इसको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है यहाँ से इसे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन, प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैक जाना चाहें तो बैक जा सकते हैं और आप चाहें इसे सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और आगे की प्रोसेस पर चल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके जो स्टेप हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको मिलता है मेक पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन पर मिल जाएगा जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा, और इसके बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंटआउट आप निकाल कर रख सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो सक्सेस रेशो आपको दिया गया है, तो UPI से सबसे कम चांसेस हैं आपके यहाँ पर आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आपकी फीस है वो अप्रूव्ड हो, इसलिए तो नेट बैंकिंग यूज़ करें या फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, इसके बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा या नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी ऑप्शन को यूज़ करें पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आप कार्ड की डिटेल्स को यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फाइनल प्रिंटआउट निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं, आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर FKET02/221 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं वो सारी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब जो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।